अगर आपका भी वॉइस ओवर चैनल है और आप अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने लिखा है कि वॉइस ओवर चैनल मोनेटाइज नहीं होंगे। ये बात मैं आपको 101% सही बोल रहा हूँ। अगर ये वीडियो आप अभी छोड़ के जा रहे हो तो आगे चल के आपको दिक्कत होगी, और अगर ये वीडियो आप एंड तक देख के जा रहे हो तो इसका मतलब है कि आप किसी भी वॉइस ओवर चैनल को मोनेटाइज कर सकते हो। कई सारे वॉइस ओवर चैनल डीमोनेटाइज हो रहे हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं, पर मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप अपने चैनल पे वॉइस ओवर करोगे तो 2024 क्या 25-26 कभी भी अगर आप वीडियो बनाओगे तो इन फ्यूचर आपके यूट्यूब चैनल पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आजकल ऐसे कई सारे यूट्यूब चैनल हैं जो कि वॉइस ओवर थे और है भी, वो यूट्यूब चैनल रिजेक्ट हो रहे हैं या फिर मोनेटाइज हो रहे, डीमोनेटाइज हो रहे हैं। तो अब आपको करना क्या पड़ेगा, अगर आप अपने YouTube चैनल पे कॉपी पेस्ट कर रहे हो, जरा ध्यान से समझना, और यहाँ पे दूसरे नंबर पे अगर आपका YouTube चैनल फैक्ट्स का है, तीसरे नंबर पे अगर आपका क्रिकेट का चैनल है, और चौथे नंबर पे शायरी है या फिर स्लाइड करके आप अपने YouTube चैनल पे वीडियो बना रहे हैं, चारों कैटेगरीज वाले, बड़े ध्यान से और सही से समझना, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स आपको होगी वो मेरे को नहीं होगी। मैं सिर्फ वीडियो के माध्यम से आपको बता सकता हूं, और मुझे भी अफसोस होता है कि जब मैं यहां से वीडियो बनाता हूं आप देखते ही नहीं हो, समझ में नहीं आती, फिर मुझे गुस्सा आती है। गुस्सा तब आती है कि मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं और मेरे को फोन करते हैं कि इज़हार भाई इसकी प्रॉब्लम बता दो। अरे कम से कम वीडियो देख लो, चैनल पे ऑलरेडी पड़ी हुई है, अगर वीडियो देख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर नहीं देखोगे, आजकल पता क्या है, यूट्यूब ने एक अलग ही पॉलिसी निकाल दी है, पहली बार आपका यूट्यूब चैनल अगर रिजेक्ट हो गया तो 30 दिन के बाद आपका यूट्यूब चैनल रीअप्लाई होगा, रीअप्लाई। अगर दो बार रिजेक्ट हो गया तो आपको 90 डेज यानी कि पूरे 3 महीने का वेट करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आपका यूट्यूब चैनल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही चल रहा है, और आपने उस पर कुछ गलत तरीके से वॉइस ओवर कर दिया, आपका यूट्यूब चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा और अब दोबारा से मोनेटाइज होने के लिए 3 महीने और वेट करना पड़ेगा। इस खतरनाक पॉलिसी की वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। इसमें मैंने लिखा है वॉइस ओवर चैनल मोनेटाइज नहीं होंगे, बात सही है। अब आपको बात करते हैं कॉपी पेस्ट चैनल की। देखो यूट्यूब पे इस टाइम भरमार वीडियोस पड़ी है, कॉपी पेस्ट करो, यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करो और आप अर्निंग कर सकते हो। आपने फेसबुक पे भी देखा होगा, कॉपी पेस्ट करो फेसबुक से और आप जो है ना अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कर सकते हो और पैसा कमा सकते हो। मैं आपको बोल रहा हूँ, ये काफी सारे क्रिएटर्स जो है ना बिल्कुल आपको गलत बात बताते हैं और मुझे गुस्सा आती है ऐसी वीडियोस पे। ऐसे ऐसे तरीके आपको बताए जाते हैं, ऐसे ऐसी बातें आपको बताई जाती है, आप उस पर इंप्लीमेंट करते हो, आप अपने यूट्यूब चैनल पे 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करते हो, उसके बाद जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हो आपका यूट्यूब चैनल हो जाता है रिजेक्ट। क्यों? क्योंकि आप जो है ना प्रॉपर और जो ऑथेंटिकेटेड चैनल है उनको आप देखते ही नहीं हो। आप ऐसे बंदे का चैनल देखते हो जो सिर्फ व्यूज लेना चाहता है, सिर्फ काम अपना काम निकालना चाहता है और आपको फंसाना चाहता है। तो कॉपी पेस्ट चैनल, हर टाइप के कॉपी पेस्ट चैनल मोनेटाइज नहीं होंगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। अब कॉपी पेस्ट का मतलब है, मान लिया जाए कोई फेसबुक की वीडियो है, वो वीडियो वायरल हो गई है, उस वीडियो पे वायरल होने के बाद में आपने उसको डाउनलोड किया और आपने उसमें एडिट किया, और एडिट करने के बाद में आपने इधर की वीडियो जोड़ी, इधर की वीडियो जोड़ी, एडिट करके कुछ पार्ट आपने निकाल दिया और उसमें क्या कर दिया, आपने कुछ फोटोज लगा दी और वो वीडियो आपने यूट्यूब पे डाल दी, तो वो यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपकी खुद की क्रिएटिविटी नहीं है, आपका खुद की कोई वैल्यू नहीं है। अगर उसमें आप वॉइस लगा दोगे, वॉइस अगर आप उसमें VOIC, ठीक है, अगर आप कॉपी पेस्ट यानी कि यूट्यूब फेसबुक की वीडियो आपने एडिट करी पर उसमें आपने वॉइस लगा दी, यानी कि वॉइस अपनी आपने वॉइस ओवर कर दिया, तो आपका यूट्यूब चैनल इजिली मोनेटाइज हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। इसी तरह से कुछ चैनल है फैक्ट्स पे जो कि साइंस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, साइंस में काम करते हैं, वो क्या करते हैं कि वो किसी और चैनल की यानी यूट्यूब पे जो इसरो हो गया या फिर नासा हो गया वहां की वीडियो को वो लेते हैं और लेने के बाद में अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो को एडिट करते हैं, वीडियो को मिक्स करते हैं, कोई फोटो लगाते हैं और फैक्ट चैनल बना लेते हैं और वीडियोस को पब्लिश करते हैं। याद रखिए, ऐसे यूट्यूब चैनल बिल्कुल भी मोनेटाइज नहीं होंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ। अगर हाँ, आप नासा की, इसरो की कोई वीडियो ले रहे हो और उसमें आप एडिटिंग करने के बाद में अपना वॉइस लगा रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो, वॉइस कर रहे हो, वॉइस आप अपनी वॉइस लगा रहे हो,
तो अगर आप वॉइस लगाओगे तो आपका यूट्यूब चैनल जो है मोनेटाइज हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये बात आपको अगर फैक्ट चैनल बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। काफी सारे लोग क्या करते हैं कि वीडियोस को उठाते हैं, शॉर्ट वीडियोस डालते हैं और शॉर्ट वीडियो कभी किसी की कुछ अपनी वॉइस ओवर नहीं करते, उनका यूट्यूब चैनल बर्बाद हो जाएगा, चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं। तो फैक्ट्स वाले बंदे भी अगर आप जो है ना कहीं से वीडियो ले रहे हो तो वॉइस ओवर करिए या फिर आप कॉमेंट्री करिए, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे क्रिकेट का। अब यहाँ पे इस टाइम चल रहा है आईपीएल, और आईपीएल चलने के बाद में काफी सारे लोग पैसा भी कमा रहे हैं और काफी सारे लोग कमाने की सोच रहे हैं। क्रिकेट की वीडियो को आप मोनेटाइज तब तक नहीं कर सकते जब तक आप उसमें एडिटिंग सही से नहीं करोगे, सही से अपनी वैल्यू को ऐड नहीं करोगे। अगर आप जो है ना आईपीएल जो है ना इस टाइम जियो सिनेमा पे चल रहा है, वहां से डाउनलोड कर रहे हो, अपने चैनल पे डाल रहे हो, और तो इस तरह की वीडियो जो है मोटाई से नहीं होगा। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर कोई बंदा सोच रहा है कि मैं क्रिकेट की वीडियो इधर उधर जोड़ के हाइलाइट्स दिखा के चैनल को मोटाइज कर लूंगा, नहीं, आपके पास स्ट्राइक भी पड़ सकती है। आप ऐसे चैनल को मोटाइज नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमेंट्री करनी पड़ेगी, अपनी वॉइस लगानी पड़ेगी। क्रिकेट की वीडियो आप डिफरेंट जोड़िए या कैसी भी जोड़िए, उसके बाद आप वॉइस ओवर करिए, माइक लगा के बोलिए। अगर आप उसमें वॉइस को जो है ना वॉइस को अगर ऐड ऑन करते हैं इसके साथ, क्रिकेट की वीडियो के साथ, तो आपका यूट्यूब चैनल इजीली हो जाएगा मोनेटाइज। अब यहां पे बात करते हैं फोर्थ नंबर की, ये है सायरी और स्लाइड चैनल। अब इसका क्या मतलब है, काफी सारे लोग आपने देखे होगा कि वो म्यूजिक लगा देते हैं और स्लाइड ऐसे चलती रहती है, ठीक है, तो ये धुन लगा देते हैं, कोई म्यूजिक लगा देते हैं, सॉन्ग लगा देते हैं, स्लाइड ऐसे चलते रहती है, कोई प्रवचन वचन, ठीक है, कोई शायरी ऐसे चलते रहती है। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आप म्यूजिक के साथ शायरी या स्लाइड चल रहे हैं तो आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। हाँ, एक तरीके से मोनेटाइज हो सकता है कि अगर आप इसमें वॉइस लगा देते हो, याद रखना, अगर आप फोटो पे वॉइस लगा रहे हो तो आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होने के चांसेस अब कम रह गए हैं। कुछ कुछ केसेस में चैनल रिजेक्ट भी हो रहे हैं। इसी वजह से आप वीडियो लगाने की कोशिश करो, कोई शायरी होगी, ठीक है, तो या कोई मोटिवेशन होगा, उसमें आप वॉइस ओवर भी कर दीजिए तो आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होएगा। हालांकि अगर आपका यूट्यूब चैनल न्यूज़ का है या फिर बॉलीवुड या फिर हॉलीवुड की जो है ना न्यूज़ आप देते हो और वहाँ पर आप फोटो का इस्तेमाल करके अपनी वॉइस ओवर कर रहे हो तो आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। याद रखना, अगर आप ओनली टू ओनली स्लाइड का यूज़ कर रहे हो, म्यूजिक का यूज़ कर रहे हो, तो आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। आपके दिमाग में ये बात रहती है कि मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होगा, नहीं होगा। रही बात, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि वॉइस ओवर चैनल मोनेटाइज नहीं होंगे, बिल्कुल। अगर काफ़ी सारे लोग पता क्या करते हैं, मान लिया आपकी वीडियो 5 मिनट की है, आप वो क्या करते हैं, 4 मिनट तक दूसरा कंटेंट रहता है, 30 सेकंड स्टार्ट के इंट्रो बोल देंगे और लास्ट में 30 सेकंड फिर वो इंट्रो आउट्रो में यानी कि एंड में कुछ बोल देंगे और फिर वो बोलते हैं कि मैंने तो वॉइस ओवर कर दिया। ऐसा नहीं होता भाई। 5 मिनट की वीडियो में अगर 4 मिनट की किसी और की ही आवाज़ है, किसी और की वीडियो है, तो आपका वॉइस ओवर चैनल आप बोल रहे हो, उसको वॉइस ओवर चैनल नहीं माना जाता और इस तरह के वॉइस ओवर चैनल डीमोनेटाइज ही रहते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं। यानी कि 10 मिनट की वीडियो में 7 मिनट कंटेंट अपना होना चाहिए, 3 मिनट आप किसी और का यूज़ करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह मैंने आपको बता दिया है कि वॉइस ओवर चैनल अगर मोनेटाइज होंगे या नहीं होंगे, किस बेसिस पे होंगे, किस पे नहीं होंगे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको लिखने में क्या जाता है, @TechnicalIsrar लिखिए, और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा घुमाइए। याद रखिए, कोई भी प्रॉब्लम्स के लिए हम आपकी प्रॉब्लम को डायरेक्ट जो सोल्व भी कर देते हैं, पर उसके लिए आपको हमारे फेसबुक अकाउंट पर जाना पड़ेगा। फेसबुक अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है उसी पे जाना है। हमारे नाम से कई तरह के फेक अकाउंट भी चल रहे हैं और इंस्टाग्राम पे भी, जो लिंक हमने प्रोवाइड कराए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आप हमारे नाम से स्कैम चल रहे हैं ना, आप सीधा वीडियो कॉल करें, पहले बात करें तब अपना एक्सेस दे देना, नहीं तो एक्सेस किसी से मत देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद।